सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, ये जो क्लास है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सीए इंटर के लिए। हाँ जी, जो सीए इंटर का अपना एग्जाम देंगे नवंबर 2023 में या उसके बाद। सर, इस चैप्टर में क्या पढ़ाओगे? इस चैप्टर में रिटर्न्स की पूरी जानकारी देंगे, जीएसटी रिटर्न्स की। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करोगे? सर, इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए हम 3 स्टडी मटेरियल यूज करेंगे। सर, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो पहले इस चीज को समझो, जो आपका स्टडी मटेरियल दिया गया है नवंबर 2023 की तैयारी के लिए, तो पहली बात, लिखा हुआ है 30 अप्रैल 2021 तक अपडेटेड है। तो सर, इसके बाद की अपडेशन कहां मिलेगी? तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, अपनी साइट्स पर स्टैट्यूटरी अपडेट्स देता है, जिसमें लिखा रहता है कि भाई मई के लिए आपको ये स्टैट्यूटरी अपडेट्स पढ़नी है। लेकिन मई का एग्जाम तो चला गया, तो हम इसे नहीं कंसीडर करेंगे, हालांकि कुछ चेंजेस इसके अंदर है। इसके बाद वो कहता है सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, क्या कहता है, सप्लीमेंट्री स्टडी पेपर। तो सप्लीमेंट्री स्टडी पेपर जो ये है, ये यहां पर जो भी अमेंडमेंट्स हुई है, ठीक है ना, 1 मई 2021 से लेकर 30 अप्रैल तक के बीच में, और ये कह रहा है कि ये ही रेलिवेंट है मई 23 और नवंबर 23 के एग्जाम में, तो हम इसे भी यहां पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो ये स्टडी मटेरियल है आपका ओरिजिनल, ये बहुत ही पुराना है, लेकिन बेस मटेरियल हमें इसे ही यूज करना है, और बाद में जो भी हमारी अमेंडमेंट्स हैं हम उसे वहां से कवर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं जीएसटी रिटर्न्स के चैप्टर की। तो जब हम बात करते हैं जीएसटी रिटर्न्स के चैप्टर की, तो ये समझ लीजिए कि नवंबर 2023 के लिए ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि जीएसटी रिटर्न्स में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आई है जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, और जब आप सीए बनने के बाद या अपनी आर्टिकलशिप के अंदर जाओगे तो ये आपके ऑफिस में भी काम आएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से हमें समझना है कि ये चैप्टर कहता क्या है, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करेंगे इस चैप्टर की, तो पहला कहता है कि भाई लर्निंग आउटकम, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम क्या सीख जाओगे। तो ये कहता है कि पहली चीज तो हम तुम्हें बता देंगे कि भाई एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को कितनी सारी रिटर्न्स भरनी होती है, उन रिटर्न्स का क्या क्या यूज होता है, वो हम सारी की सारी आपको बता देंगे। उसके बाद ये कहता है कि एक नई स्कीम आई है जिसका नाम है QRMP, क्या है जी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। मतलब कि क्वार्टरली तो रिटर्न फाइल करनी है और पेमेंट आपको मंथली करनी है, तो वो QRMP स्कीम क्या है वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि ये स्कीम हो सकता है आपके एग्जाम में भी आए और जब आप अपने इंटरव्यू में जाएं तो वो भी वहां से पूछे, ठीक है ना। उसके बाद ये कहता है कि भाई उनका पीरियड बताओ कि आपको रिटर्न्स कब फाइल करनी है, मंथली है, क्वार्टरली है, ये सारी चीजें कौन कौन सा फॉर्म है वो बताओ। फिर उसके बाद ये कहता है कि अगर हमने जीएसटी रिटर्न टाइम से नहीं फाइल करी तो लेट फीस कितनी लगेगी। तो लेट फीस आपसे आपका कल को क्लाइंट भी पूछ सकता है और एग्जाम में एग्जामिनर भी पूछ सकता है। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें कराएंगे और एक कंसेप्ट जीएसटी प्रैक्टिशनर का बताएंगे। तो सर, हमें कितने सेक्शन इसके अंदर पढ़ने हैं? तो जो ये आपका ओरिजिनल स्टडी मटेरियल है, इसमें मैं आपको कुछ चीजें कटवा दूंगा। सर, क्यों कटवा रहे हो? क्योंकि भाई ये स्टडी मटेरियल पुराना है और अमेंडमेंट जो आई है वो आपके, ठीक है, कोर्स से हट गया है, तो वो आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसे पढ़कर समय बर्बाद क्यों करना। तो सबसे पहले जब हम रिटर्न्स के चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये कहता है कि भाई आपको ना कई सारी रिटर्न्स फाइल करनी है, तो डिफरेंट रिटर्न्स है, डिफरेंट उनके सेक्शन है, तो हम उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। मोटा मोटी हम आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू बता देते हैं। तो पहला ओवरव्यू क्या है कि भाई जीएसटी के अंदर, ठीक है ना, पहले इस चीज को समझना, आपको बिजनेस अगर करते हो तो बिजनेस में कंसेप्ट होता है कि पहले कोई चीज को परचेज करेंगे और फिर उसके बाद उसे सेल करेंगे। लेकिन जीएसटी का जो कंसेप्ट है वो स्टार्टिंग करता है अपनी सेल से, और जीएसटी के अंदर सेल को हम बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। सेल को हम क्या बोलते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। इसी तरीके से जो
जीएसटी रिटर्न्स के अंदर सेक्शन है वो सेक्शन 37 से शुरू होते हैं और 48 तक जाते हैं। तो उसका जो पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन में इस बात का जिक्र है कि भाई आपको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है। आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल का मतलब क्या हो गया, आम भाषा में समझ लो कि जो आप सेल कर रहे हो उसकी डिटेल देनी है। सेक्शन 37 इस बात को कहता है। सर इसके लिए फॉर्म कौन सा बनाया गया है, तो भाई इसके लिए जो मेन फॉर्म बनाया गया है वो GSTR 1 बनाया गया है। तो मेन फॉर्म इसका क्या है, GSTR 1। स्टार्टिंग ही 1 से हो रही है, पहली रिटर्न है तो इन्होंने बोला GSTR 1 आपको भरनी है, ठीक है ना। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 37 के अंदर, ठीक है सर। ये वाली बात क्लियर हो गई। हाँ अभी इतना ही याद रखना, इसके आगे की चीजें मैं बताऊंगा आपको कि आगे क्या क्या चीजें हैं इसके बाद, ठीक है। एक अलग सेक्शन आएगा हमारा, अगला सेक्शन, सेक्शन 38। तो ये जो सेक्शन 38 है ये पूरा का पूरा चेंज हो गया है, तो आपको इस किताब से नहीं पढ़ना, मैं नया आपको सेक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स कैसे रिफ्लेक्ट होती है, वो इनवर्ड सप्लाई की बात करता है, ठीक है ना। इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या हो गया, परचेजेज की। तो ये सेक्शन पुराना लिखा हुआ है, ठीक है, इस वजह से ये लैंग्वेज ऐसी है। इसके बाद वो बात करते हैं सेक्शन 39 की। तो सेक्शन 39 की जो रिटर्न्स है, ठीक है ना, सेक्शन 39 की जो रिटर्न्स है उसमें कई सारी रिटर्न्स है, जैसे कि GSTR 3 भी, ठीक है ना, जैसे कि GSTR 4, GSTR 5, ठीक है। वैसे है तो 6 और 7 भी, लेकिन 6 और 7 आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए इन्होंने 3 ही रिटर्न बताई है, ठीक है। तो आपको इन 3 रिटर्न्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा सेक्शन 39 खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है 40, उसमें अदर रिटर्न्स होती है जिसका नाम होता है फर्स्ट रिटर्न। तो ये सेक्शन 40 के अंदर आती है। उसके बाद साल में आपको एक रिटर्न और फाइल करनी पड़ती है, जो हर साल करनी पड़ती है। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं एनुअल रिटर्न, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 44 डील करता है। इसके बाद, ठीक है ना, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हो तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद आपको फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है कि भाई अब बिल्कुल फाइनल कर रहे हैं हम, तो उस रिटर्न को हम बोलते हैं फाइनल रिटर्न, GSTR 10, जिसे हमारा सेक्शन 45 डील करता है। इसके बाद एक छोटी सी रिटर्न है, अगर आपको याद होगा तो हमने रजिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर की क्लास आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। तो हमने उसमें डिस्कशन करा था UIN वालों का। तो UIN होल्डर जो होते हैं उन्हें क्या करना होता है, अपना रिफंड क्लेम करना होता है। तो जब वो अपना रिफंड क्लेम करते हैं तो उसके लिए उन्हें एक रिटर्न फाइल करनी होती है जिसका नाम होता है GSTR 11। तो इस तरीके से ये सारी रिटर्न्स होती है जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। सर अगर हम इन रिटर्न्स को नहीं फाइल करेंगे तो क्या होगा, तो भाई कुछ रिटर्न ऐसी है अगर आप उन्हें फाइल नहीं करते हो तो सेक्शन 46 के अंदर आपको नोटिस आ जाता है कि भाई आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, हम आपको नोटिस दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो सेक्शन 47 के अंदर आपको लेट फीस लग जाती है कि भाई अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो हम आपको लेट फीस लगा देंगे। इसके बाद इन सारी रिटर्नों को भरने के लिए इन्होंने कंसेप्ट निकाला है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर, कि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाओ, तो उसकी बात है सेक्शन 48 में। तो इस तरीके से सेक्शन 37 से लेके सेक्शन 48 तक का सफर चलेगा, ठीक है। तो यहां पर इंस्टीट्यूट ने क्या करा हुआ है, आपके लिए पूरे सेक्शन बना रखे हैं, ठीक है। इसमें मैं कुछ करेक्शन कराना चाहता हूं कि भाई ये तीनों सेक्शन डिलीट है, आप इन्हें डिलीट कर लो, ये आपके एग्जाम में कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे सर, क्योंकि ये कोर्स में से हट चुके हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में से भी हट चुके हैं। इसके बाद ये वाला सेक्शन पूरा चेंज है, ठीक है, ये वाला सेक्शन चेंज है। तो इसके चैप्टर के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स है, तो कोई भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल पढ़कर ना चला जाए। अगर वो स्टडी मटेरियल पढ़कर जाएगा तो गलती हो जाएगी, और बाकी की चीजें मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दी है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 48 के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो पहली चीज, आपके एग्जाम में कभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पहली बात ये बताओ कि ये रिटर्न्स है क्या,
रिटर्न्स का पर्पज क्या है, रिटर्न से क्या क्या पर्पज फुलफिल होता है। तो यहां पर इस बात को समझना कि हमारा जो जीएसटी है वो क्या है, एक सेल्फ असेस बेस्ड टैक्स सिस्टम है। सर ये क्या मतलब हुआ सेल्फ असेसमेंट बेस्ड, क्योंकि यहां पर इस चीज को समझो, क्योंकि जीएसटी में इतने लोग रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट हर किसी का सही से टैक्स कैलकुलेट नहीं करती। वो तो क्या कहती है कि भाई आप ऐसा करो, आपकी जो भी सेल है, आपकी जो भी परचेज है, आप हमारे को एक रिटर्न में डालकर दे दो, ठीक है। जिस रिटर्न में आप हमें डालकर दोगे हम मान लेंगे कि वो सारी ठीक है, लेकिन हो सकता है हम उसे चेक करें, और जब अगर हमने उसे चेक करा और उसमें गलती निकली तो बड़ी पिटाई करेंगे, मतलब इंटरेस्ट लेंगे, पेनल्टी लेंगे। तो इसलिए जीएसटी के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारी सेल है, परचेज है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो सारी की सारी चीजें हम अपनी रिटर्न्स में डालकर देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे रिटर्न्स है क्या, रिटर्न्स ऑर्डिनरली मींस स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। रिटर्न्स का मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट है जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। कौन दे रहा है इंफॉर्मेशन, टैक्स पेयर दे रहा है। किसे दे रहा है, टू द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को दे रहा है। कब दे रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पर। जैसे मैंने आपको क्या बताया, जब आप इसे पढ़ोगे रिटर्न्स के चैप्टर को, कुछ रिटर्न्स मंथली होंगी, कुछ रिटर्न्स क्वार्टरली होंगी, कुछ रिटर्न्स ईयरली होंगी, और एक आध रिटर्न हमने जो पढ़ी थी फाइनल रिटर्न की, जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए उसके बाद। तो यहां पर जो हमारे को ये इंफॉर्मेशन देनी होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पर देनी होती है, ठीक है ना। किस किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारे बिजनेस की एक्टिविटी हो रही होती है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे को देनी होती है। जैसे हमारा सेल, टर्नओवर, जो भी हमारी एग्जेम्पशन है उसकी डिटेल्स, ये सारी की सारी डिटेल्स हम उसके अंदर देते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट ये चेक कर ले कि ये सारी चीज है या नहीं है। हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो सारी चीज एक पीरियड के लिए, किसके लिए, एक पीरियड के लिए हमें देनी होती है। तो भाई अब अगर आपसे पूछे कि क्या क्या पर्पज सोल्व हो जाएगा अगर हम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, तो पहली चीज क्या, ये मोड ऑफ ट्रांसफर है, ठीक है, मोड फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन दूसरी तरफ जा रही है, एक असेसी की इंफॉर्मेशन, टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन हम किसे दे रहे हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं। अगर सोचो हम रिटर्न ही फाइल ना करें, अगर हमने रिटर्न ही फाइल ना करी, उसे पता ही नहीं चलेगा जीएसटी ऑफिसर को कि भाई ये कपिलियन कितनी सेल करता है, कितनी परचेज कर रहा है, तो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं। तो ये रिटर्न सी एक मोड है किस चीज का, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का। कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम, अब अगर हम रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट को यही नहीं पता लग रहा कि भाई ये लोग टैक्स जमा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर गवर्नमेंट को हमें ये बताना है कि हम टैक्स जमा कर रहे हैं, हम सारे कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें ये चीज रिटर्न्स में बतानी पड़ेगी कि हाँ भाई हमने रिटर्न फाइल कर दी और हमने आपका टैक्स दे दिया। फाइनलाइजेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर विद इन, ठीक है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब यहां पर यह समझना कि अगर असेसी का टैक्स डिटरमाइन करना है कि भाई तुम्हारे से कितना टैक्स लेना है, कितना नहीं लेना, किस पीरियड में, तो वो रिटर्न्स के थ्रू ही होता है। रिटर्न्स के थ्रू असेसी बताता है कि जी मैं तो आपको इतना टैक्स जमा कर रहा हूं। उसके बाद डिपार्टमेंट वाले आदमी उस रिटर्न को चेक करेंगे और देखेंगे कि हाँ क्या भाई तुमने सही टैक्स दिया या नहीं दिया। इसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग नेसेसरी इनपुट फॉर टेकिंग पॉलिसी डिसीजन। अब भाई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि भाई किस चीज को एग्जेम्प्ट करना चाहिए, किस चीज को टैक्सेबल करना चाहिए, ठीक है, व्यापारी परेशान हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो जब उनके पास डेटा आ जाएगा रिटर्न्स के माध्यम से, वो समझ जाएंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि लेट सपोज करो कोई व्यक्ति किताबें बेचता है और मान लो किताबें एग्जेम्प्ट है, तो गवर्नमेंट के पास रिटर्न्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन गई कि भाई इंडिया के अंदर 10,000 करोड़ की किताबें बेची जाती है और हम इस पर टैक्स नहीं लेते। तो मोदी जी ने बोला कि भाई ऐसा करो, इस पर भी टैक्स लगा दो। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ डिसीजंस लेने के लिए हम रिटर्न्स के डेटा को, ठीक है, रिटर्न्स के डेटा को मंगा ले। जैसे आपको पता होगा हमने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में बताया था जीएसटी जो है अल्कोहलिक लीकर पे नहीं लगता आज की डेट में, और अभी जो क्या कहते हैं पेट्रो प्रोडक्ट्स पे नहीं लगता। तो हो सकता है ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ले कि भाई तुम बताओ कितना पेट्रोल बेचते हो, क्या पता उस पर फ्यूचर में वो जीएसटी लगाते। तो यहां पर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए भी रिटर्न्स का बेनिफिट रहता है।
मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंड एंटी विजन प्रोग्राम ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार पता ये लगता है कि भाई चोरी कौन कर रहा है, ठीक है ना, तो भाई इनका मैनेजमेंट करो, ऑडिट करो, ठीक है ना। एंटी विजन वाले होते हैं कि कोई टैक्स की चोरी ना कर पाए, उन सब चीजों के लिए भी रिटर्न्स का बहुत महत्व है। तो अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि भाई रिटर्न से क्या पर्पस सॉल्व होता है, तो पहले बता देना कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्लायंस वेरिफिकेशन और फाइनलाइजेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी और डिसीजन मेकिंग पॉलिसी के डिसीजन बनाने के लिए और एंटी विजन के लिए। ये 5 बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं जो रिटर्न्स भरने से होते हैं किसे, सरकार। अब इसके बाद यहां पर इस चीज को और समझना, जो यहां पर इन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करी हैं। क्या इंपॉर्टेंट है इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब यहां पर क्या होता है, जीएसटी के अंदर जो रिटर्न्स का मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि जो व्यक्ति सेल करेगा, जो व्यक्ति सप्लायर है वो सेल करेगा, तो सेल करने के बाद वो अपनी कौन सी रिटर्न में डालेगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, GSTR 1 में। तो जब वो अपनी GSTR 1 में डालेगा तो सामने यहां पर जो रिसीपेंट होगा उस रिसीपेंट को उसका ITC मिल जाएगा, यहां पर उस रिसीपेंट को उसका ITC मिल जाएगा। तो अब आप ये समझना कि कई बार GST रिटर्न्स में ऐसा होता है कि मान लो ये सप्लायर ने फ्रॉड कर दिया, ठीक है ना, ये सप्लायर फ्रॉड कर रहा है, अब फ्रॉड करके ये अपना सारा का सारा जो टैक्स है उसे दिए जा रहा है। अब गवर्नमेंट को इसे पकड़ना है कि भाई इसने किसे ट्रांसफर करा ITC, तो इसे पकड़ने के लिए गवर्नमेंट इसकी रिटर्न्स को चेक करेगी, इसमें देखेगी भाई इसने किस किस व्यक्तियों को अपने बिल इशू करे हैं। तो यहां पर इस चीज को लिखा गया है कि GST रिटर्न्स किस चीज में हेल्प करता है, तो इन्होंने बोला है कि भाई फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न्स हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटर्न फाइलर एंड एट द सेम टाइम, भाई जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसकी तो टैक्स लायबिलिटी निकालेंगी, एंड एट द सेम टाइम इट आल्सो हैज अ ह्यूज बेयरिंग ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ अदर पर्सन विद हुम द फॉर्मर हैज एंटर्ड इनटू टैक्सेबल एक्टिविटी। तो कई बार जिसके साथ हम टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी टैक्स लायबिलिटी भी हम यहां से निकाल लेते हैं, तो GST रिटर्न से ये वाला पर्पज भी हमारा शॉर्ट आउट होता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा GST है, ठीक है ना, उसमें असेसी को खुद, टैक्स पेयर को खुद अपनी टैक्स लायबिलिटी को सेल्फ असेसमेंट करना पड़ता है और उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल करके उसे जमा करना पड़ता है। तो अगर आपसे कोई कहे GST रिटर्न क्या है, तो आप उसे वर्किंग सीट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एक तरीके से वर्किंग सीट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है फॉर द टैक्स अथॉरिटी दैट कैन बी रिलायड अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ विच द टैक्स हैज बीन कंप्यूटेड बाय द टैक्स पेयर, कि भाई टैक्स पेयर ने टैक्स कैसे जमा करा है, कैसे उसकी कैलकुलेशन करी है, ये उसकी एक वर्किंग सीट है। सेकेंडली, अंडर द GST रिजीम फाइलिंग ऑफ रिटर्न नॉट ओनली डिटरमाइन, मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ हमारी टैक्स लायबिलिटी नहीं निकालता, ये दूसरे की भी निकालता है कई बार, तो इस वजह से यहाँ पर रिटर्न्स का होना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गया ये वाली चीज, बोलो जी। अब ये जो GST की रिटर्न्स है इसके लिए हमने डिफरेंट फॉर्म बना रखे हैं, डिफरेंट फॉर्मेट है, तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स दिखाई देंगे जिसमें पर्टिकुलर्स की डिटेल्स जाती रहेगी, बहुत सारी फील्ड्स होंगी, ठीक है, जिसके अंदर जो जो डिटेल्स डिपार्टमेंट को चाहिए वो सारी डिटेल्स वो डिमांड कर लेता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भैया बेसिक क्या है, उसका पर्पज क्या है और हमारे को कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं। अब मुद्दा आता है सर रूल्स कौन कौन से पढ़ने, तो भाई यहाँ पर रूल्स आपको लिखा हुआ तो है कि भाई 59 से 84 रूल्स पढ़ने, ठीक है, लेकिन आपको रिलैक्स मिल जाएगा, इसमें से बहुत सारे रूल्स डिलीट हो गए हैं। सर ये बात क्या बता रहे हो आप, हाँ देखो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, आप जरा सप्लीमेंट्री वाली किताब पढ़िए, सप्लीमेंट्री किताब जो कि नवंबर 2023 के लिए एप्लीकेबल है, तो जब आप इसे पढ़ोगे, इसमें मैं तुम्हें रिटर्न्स का चैप्टर दिखा रहा हूं जिससे कि आपको पता लग जाए कि जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, ठीक है, आ जाओ रिटर्न्स के चैप्टर पे, ये रहा हमारा रिटर्न्स का चैप्टर। तो जब हम रिटर्न्स के चैप्टर पे जाएंगे तो यहां पर देखो आगे जाके लिखा हुआ है कि भाई कौन कौन से सेक्शन में चेंज है, 37, 38, 39, ठीक है ना, आप देख रहे हो कितने सारे सेक्शंस में चेंज है।
तो इस बार का जो रिटर्न्स का चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखो मैं आपको यहाँ पर बता भी दूंगा कि क्या क्या चीजें डिलीट हो गई है। मैंने आपको कटवाया था ना सेक्शन 42, 43, 43A, ये सारे डिलीट हो गए हैं, ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ने। इसके अलावा रूल्स भी लिखा हुआ है कि ये वाले रूल्स आपको नहीं पढ़ने, वो रूल्स भी मैं आपको दिखा देता हूं। कई सारे जो रूल्स है वो डिलीट हो गए हैं, वो आपको नहीं पढ़ने, ठीक है जी। ये वाली चीज क्लियर है? बोलो, ये वाली चीज क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहां पर हो जाएगा कि बहुत सारी चीजें हमारी डिलीट हो रखी है, बहुत सारी चीजें अमेंड हो रखी है, तो हमारे को इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। देखो ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था हमारे को तीन डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं। क्या क्या लिखा हुआ है ना यहां पर, ओमिशन ऑफ रूल्स, कि भाई रूल नंबर 69, 70 है, सारे के सारे हट चुके हैं, अब हमें इन्हें नहीं पढ़ना। क्लियर हो गई ये वाली चीज? ठीक है, और यहां पर जिन जिन सेक्शन में चेंजेस है वो सारे के सारे सेक्शन हमें पढ़ने, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम अपने ओरिजिनल चैप्टर पे। तो जहां जहां चेंजेस होंगे मैं आपको वहां पर बता दूंगा कि भाई कहां कहां क्या चेंजेस है। अब जीएसटी रिटर्न का प्रोसेस समझो कि भाई जीएसटी रिटर्न का प्रोसेस है क्या। जीएसटी रिटर्न का बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि यहां पर एक सप्लायर होता है। सप्लायर मतलब कौन? जो अपने गुड्स की सेल कर रहा है, ठीक है, जो अपने गुड्स की सेल कर रहा है उसे बोला जाता है कि भाई तुम ऐसा करो अपनी एक GSTR 1 भर दो, ठीक है, आप अपनी एक GSTR 1 भर दो। कौन से सेक्शन में भर दो? सेक्शन 37 में। और जैसे ही आप अपनी GSTR 1 भरोगे तो जो रिसीवर होगा जिसे आपने सेल कराए, अगर वो रजिस्टर्ड व्यक्ति है, अगर वो रजिस्टर्ड व्यक्ति है उसके पास भी GSTN है, तो जब आप अपनी GSTR 1 भरोगे, जब अपनी GSTR 1 भरोगे तो उसका GSTN नंबर डाल देना कि भाई मैंने इस व्यक्ति को सेल करा। तो इससे फायदा क्या होगा रिसीवर को, ठीक है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रिसीवर का एक फॉर्म आता है 2B, क्या आता है 2B, ठीक है, आपकी बुक्स में कई जगह पर 2AB होगा और 2BB, दोनों में अंतर बता दूंगा बाद में क्या है। अभी आप मानकर चलो रिसीवर एंड पर जो होगा, मान लो कपिल जैन ने सेल करी, और कपिल जैन ने किसे सेल करी? रामलाल को। तो कपिल जैन डालेगा अपनी GSTR 1 में, और वो वाली जो सेल है, ठीक है, वो शो करेगी किसमें? रामलाल के 2A और 2B में। अब रामलाल को इससे क्या फायदा होगा? रामलाल को इससे क्या फायदा होगा कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर सप्लायर टैक्स पे कर रहा है तो इसका जो आउटपुट टैक्स होता है वो रामलाल के लिए इनपुट टैक्स बन जाता है, ठीक है ना, मतलब रामलाल उसका ITC ले सकता है। तो रामलाल क्या करेगा जी? भाई साहब इसका ITC क्लेम कर लेगा। अब ITC क्लेम करने के लिए ये अपनी एक रिटर्न फाइल करता है जिसका नाम होता है GSTR 3B। GSTR 3B, सर ये 3B क्या है? रिटर्न तो सिंपल होनी चाहिए थी, 1, 2, 3, 4। बी क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जब GST लॉ आया था तो वहां पर कंसेप्ट था GSTR 1 का, 2 का और 3 का, लेकिन 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 गवर्नमेंट्स ने क्या करा, गवर्नमेंट्स ने ये जो 3 थी, ठीक है, गवर्नमेंट्स लेकर नहीं आ पाई कुछ डिफिकल्टीज की वजह से, तो गवर्नमेंट ने 3 की जगह पर उस टाइम एक फॉर्म लेकर आई थी गवर्नमेंट 3B, क्योंकि 3 फॉर्म को वो ला नहीं सकती थी, तो इसलिए उसकी जगह पर एक फॉर्म लेकर आई थी 3B, और इस 3B फॉर्म के अंदर ही हमारी टैक्स लाइबिलिटी भी जाती है और हमारा ITC भी जाता है, दोनों ही चीजें जाती है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे जो GSTR 1 है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी सेल जाती है, ठीक है ना, उसमें मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अगर मुझे टैक्स पे करना है तो मुझे उसके लिए जो मेरी मेन रिटर्न है उसका नाम है 3B। तो यहां पर इस चीज को समझो, अभी हम कपिल जैन और रामलाल के एंगल से ले रहे हैं कि रामलाल अपनी सेल दिखाता है पहले GSTR 1 में, और उसके बाद उसी सेल पे जब टैक्स देना होता है तो वो अपनी रिटर्न भरता है GSTR 3B, ठीक है। लेकिन जब वो GSTR 3B भरता है उसमें डिटेल नहीं डालता कि मैंने रामलाल को माल बेचा या श्यामलाल को माल बेचा या मोहन को माल बेचा, तो वो सारी डिटेल किसके अंदर आती है? GSTR 1 में,
ठीक है ना। तो इसके बाद जब ये सारी डिटेल्स GSTR 1 में डाल देता है तो रामलाल क्या करता है, रामलाल के 2A और 2B में ये दिखाने लगता है कि भाई तुमने कपिल जैन से कितना परचेज करा, तुमने और किसी व्यक्ति से कितना परचेज करा। तो वो परचेज जितना भी करता है उसका इनपुट क्लेम कर लेता है अपनी 3B में और जो उसका टैक्स बनता है वो टैक्स दे देता है। तो ये सिस्टम आज की डेट में चलता है। अब यहाँ पर इस चीज को समझो कि ये जो व्यक्ति है जब अपनी GSTR 1 फाइल करेगा तब रामलाल के 2A 2B में वो बिल शो करेगा, फिर रामलाल उसका क्रेडिट लेगा और फिर रामलाल अपनी 3B फाइल करेगा। तो अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि भाई तो GSTR 1 पहले भरी जाएगी या GSTR 3B पहले भरी जाएगी। अगर मैं बात करूं मई महीने की या मैं बात करूं अप्रैल 2023 की, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अप्रैल 2023 की भाई पहले कौन सी रिटर्न भरी जाएगी, GSTR 1 या 3B, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। सर चिंटू सा आंसर है, पहले 1 भरी जाएगी। ठीक है, इसलिए 1 की डेट पहले आती है क्योंकि पहले 1 भरी जाएगी, 1 के बाद ही हम 3B भरेंगे। ठीक है ना, इस चीज को समझ में आ गया? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मुद्दा क्या था कि यहां पर जो कपिल जैन था जब भी अपने बिल इशू करता था उसे अपने बिल को GSTR 1 में डालना होता था, क्योंकि अगर वो GSTR 1 में नहीं डालेगा तो वो सामने वाले के 2B से 2A से होते हुए 3B में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब मुद्दा क्या हुआ, कपिल जैन एक बार गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसा है कि कपिल जैन एक काम कर, ठीक है ना, अगर तुझे लगता है कि तुम हर महीने, ठीक है ना, GSTR 1 नहीं भर सकते, तुम्हें हर महीने GSTR 1 भरने में दिक्कत आ रही है और तुम एक छोटे व्यापारी हो, तुम्हारी टर्नओवर कम है, तो तुम ऐसा करो GSTR 1 को 3 महीने में एक बार भर लेना। GSTR 1 को हर महीने मत भरो, 3 महीने में एक बार GSTR 1 को भर लेना। अब कपिल जैन ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि भाई साहब अब मुझे बार बार अपने CA के पास या प्रोफेशनल के पास नहीं जाना पड़ेगा, तो मुझे तो GSTR 1 3 महीने में एक बार भरनी है। लेकिन ये जो रामलाल था ये क्या कहने लगा, ये कहने लगा भाई मेरी बात सुन, मैं तो अपनी GSTR 1 महीने में ही भरूंगा और मैं तो अपनी GSTR 3B भी हर महीने भरूंगा, ठीक है, और मैं आज के बाद तुझसे माल नहीं खरीदूंगा। उसने कहा भाई मेरे से क्या गलती हो गई, तुम मेरे से माल क्यों नहीं खरीदोगे। उन्होंने कहा कि भाई तुम अपनी GSTR 1 भरोगे 3 महीने बाद, और जब आप 3 महीने बाद अपनी GSTR 1 भरोगे तो मेरे, ठीक है ना, 2A 2B में वो जो बिल है वो भी तो 3 महीने बाद आएगा, तो मैं तो ITC भी उसका 3 महीने बाद ले पाऊंगा, तो भाई इसका मतलब मैं तुमसे माल नहीं खरीदूंगा। अब कपिल जैन फिर गया गवर्नमेंट के पास, उसने कहा भाई साहब आपने तो मुझे फंसा दिया कि आपने बोला है कि GSTR 1 3 महीने बाद भर दो, लेकिन जो मेरा रिसीवर है, जो मेरा रिसीवर है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है, जब तक मैं बिल नहीं डालूंगा तब तक आप उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दोगे, तो इसका मुझे कोई सॉल्यूशन दो। तो गवर्नमेंट ने इसकी बात समझी और गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल ठीक बात है कपिल जैन, एक काम कर, अप्रैल मई जून इस तरीके से 3-3 क्वार्टर बना ले, ठीक है, और जो ये क्वार्टर बनाएगा अब इसमें क्या करियो कि तूने क्या बोला हुआ है कि तू GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करेगा, तुम GSTR 1 क्वार्टरली फाइल कर लेना। मैंने कहा फिर ITC कैसे ट्रांसफर करूंगा, उन्होंने बोला ITC ट्रांसफर करने के लिए हम तुम्हें शुरू के 2 महीनों में, हर क्वार्टर के शुरू के 2 महीनों में एक फैसिलिटी दे देंगे जिसका नाम होगा IFF। क्या होगा? IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। क्या दे देंगे? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। और ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का मतलब क्या है, जिस भी व्यक्ति को क्रेडिट लेना है, तुम्हारे जिस भी रिसीवर को क्रेडिट लेना है, उनके बिलों की डिटेल आप हर महीने डाल देना 13 तारीख तक, और उसके बाद वो व्यक्ति अपना क्रेडिट ले लेगा और बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो अपनी GSTR 1 में डाल देना। अब यहां पर कपिल जैन खुश हो गया,
तो कपिल जैन के लिए क्या हो गया कि भाई सेक्शन 37 में अगर वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डालता है तो उसे दो तरीके से डिटेल डाल सकता है, या तो वो मंथली अपनी GST R1 भरता रहे, और अगर वो मंथली अपनी GST R1 नहीं भरना चाहता तो वो क्वार्टरली अपनी GSTR रिटर्न भर सकता है, और शुरू के 2 महीने के लिए अपने जो भी बिल है ठीक है वो अपने IFF में डाल सकता है जिसका उसका रिसीवर ITC ले ले। तो यहां पर ये मुद्दा था GSTR1 का। अब हम इसमें एक चीज और ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहना कि हाँ सर यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो कपिल जैन था ये बड़ा चालाक, ये क्या कहने लगा कि सर मैं जो GSTR1 भरूंगा ये तो क्वार्टरली भरूंगा लेकिन 3B मंथली भरूंगा। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं होता, अगर तुम GSTR1 क्वार्टरली भरोगे तो 3B भी आपको क्वार्टरली ही भरनी पड़ेगी। तो इसलिए इस स्कीम को जो व्यक्ति लेता है उस स्कीम का हम नाम रख देते हैं, ठीक है, मंथली पेमेंट, ठीक है, और क्वार्टरली रिटर्न। तो यहां पर इस चीज को समझना, आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आपका क्लाइंट GSTR1 क्वार्टरली भर रहा है तो वो 3B भी क्वार्टरली भरेगा, ठीक है। अगर वो 3B मंथली भर रहा है तो GSTR1 भी मंथली भरेगा, और जो व्यक्ति मंथली भर रहा है उसके लिए IFF का कोई भी कंसेप्ट नहीं लगेगा, उस केस में IFF का कोई भी कंसेप्ट नहीं लगेगा। ये वाली बात क्लियर हो गई? हाँ सर ये वाली बात क्लियर हो गई। चलिए अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये सारा का सारा स्टफ वही लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि गवर्नमेंट GSTR 1, 2, 3 का कंसेप्ट ला रही थी लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं लेकर आ पाई। तो अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेकर आई है जिसे हम बोलते हैं क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन बता दिया। और ये जो GSTR 2 और 3 था अब ये कभी नहीं आएंगे, तो इन चीजों को खत्म कर दिया गया है। चलिए ये वाली चीज क्लियर हो गई? हाँ सर ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब ये मुद्दा आता है कि ये जो GST रिटर्न्स होती है सर ये हम भरते कैसे? भाई GST रिटर्न पोर्टल खोलो और ऑनलाइन आप जाकर भर दो। सर मेरे तो 1000 इनवॉइस है, 10000 इनवॉइस है, एक एक इनवॉइस डालूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भाई अगर आपके ज्यादा इनवॉइस होते हैं ना तो आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी की मदद ले लो। तो सॉफ्टवेयर कंपनी क्या होती है कि सॉफ्टवेयर कंपनी के पास राइट है, ठीक है ना, उन्होंने क्या कर रखा है, एक लाइसेंस ले रखा है GST सुविधा प्रोवाइडर का। वो क्या करती है आपके डेटा को और पोर्टल को लिंक कर देती है। तो अगर आप 10000 इनवॉइस चढ़ाने चाहोगे तो वो चढ़ जाएंगे एक ही बार में। तो अगर आपकी ठीक है बड़ी कंपनी है तो आप इस तरह की सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी ले सकते हो और डायरेक्ट चढ़ा सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन आप भर सकते हो। इसके अलावा यूटिलिटी वगैरह होती है, ठीक है, आप उसे डाउनलोड करके वहां से भी भर सकते हो। तो आने वाली क्लासेस में हम कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिकल भी इसमें कुछ दिखा दे, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हो गई? यस सर। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, तो इसमें कई सारी डेफिनेशंस को हम यूज करेंगे, तो जब भी हमारे को टाइम लगेगा या जब हमें जरूरत होगी तो हम इन डेफिनेशंस को यूज कर लेंगे। जैसे अभी हमने कौन सी डेफिनेशन यूज करी, क्वार्टर की। तो क्वार्टर कैसे बनाने, ऐसा मत करना मई जून जुलाई एक अलग क्वार्टर बना लो। इन्होंने बोला जब भी आप क्वार्टर बनाओगे तो भाई कैसे बनाओगे, लास्ट डे उसका मार्च होना चाहिए, जून सेप्टेम्बर एंड दिसंबर, ठीक है ना। तो क्वार्टर आपको ऐसे ही बनाने। और ये जो स्टडी मटेरियल है ना इसमें कई बार ना मिसप्रिंट हो जाता है, तो आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना, जहां जहां मिसप्रिंट होगा मैं बता दूंगा। जैसे यहां पर ये मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है, इनवॉइस की डेफिनेशन सेक्शन 66 में नहीं है, ठीक है, यहां पर इन्होंने को लगाना होगा सेक्शन 2 क्लोज 66। तो इस तरह की छोटी छोटी गलती हो जाती है, तो इंस्टीट्यूट को इसके लिए माफ कर दिया करो, ठीक है ना, इसमें हल्ला नहीं मचाना है आपको, ठीक है ना। क्लियर हो गई ये वाली? हाँ सर ये वाली चीज क्लियर हो गई। चलो चले आगे, चले आगे जी, बोलो चले आगे। हाँ सर आगे चलो। जैसे यहाँ पर भी एक मिसप्रिंट हो रखा है ना, टैक्स पीरियड, ठीक है ना, ये 2106 होगा, इसे भी ठीक कर लेना। अब क्या होता है, ये जो हमारे सेक्शन है तो जैसे ही हम सेक्शंस पढ़ेंगे तो सेक्शंस के साथ हमारे को रूल्स भी पढ़ना है, ठीक है ना, कि भाई सेक्शन ने तो बताया कि आपको GSTR1 भरनी है, रूल्स आपको बताएगा कैसे भरनी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो ये सेक्शन 37 है हमारे को रूल 59 के साथ पढ़ना है, लेकिन इस सेक्शन के अंदर ना बहुत चेंजेज आए
तो जो जो चीजें यहाँ पर गलत होगी वो मैं कटवाता रहूंगा और फिर मैं आपको फाइनल सेक्शन भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई पहले बताओ कि GSTR 1 किसे भरनी है। तो अब यहाँ पर जरा सोचकर बताना कि GSTR 1 जो रिटर्न थी उसका हमारा पर्पस था कि जो हमारा रिसीवर है उसे ITC मिल जाए, ठीक है, बस और कोई पर्पस नहीं था। तो किन किन लोगों को, ठीक है, ये GSTR 1 भरनी है। तो हमेशा ध्यान रखना GST के अंदर बहुत सारे टैक्स पेयर हैं जो हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़े थे, लेकिन उन सबको GSTR 1 नहीं भरनी होती। GSTR 1 उसी व्यक्ति को भरनी होती है जो व्यक्ति, ठीक है, अपने रिसीवर को ITC ट्रांसफर करना चाहता है। और ऐसे दो ही व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है नॉर्मल टैक्स पेयर और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को GSTR 1 नहीं भरनी। सर कंपोजिशन वाले को नहीं भरनी होती? आंसर इज नो, क्योंकि कंपोजिशन वाला तो अपना ITC ट्रांसफर ही नहीं करता। सर ISD को नहीं भरनी होती? सर हमारे कोर्स में ही नहीं है, क्यों डिस्कस कर रहे हो? नहीं करते डिस्कस, लेकिन यहाँ पर बार बार वर्ड आ जाता है इसलिए बता देता हूँ। तो भाई ये अगर आपसे कोई पूछे कि भाई GSTR 1 किसे भरनी है, नॉर्मल प्लस कैजुअल, किसे किसे नहीं भरनी, ठीक है ना, एक्सेप्ट किसे किसे नहीं भरनी, ISD को नहीं भरनी, नॉन रेजिडेंट को नहीं भरनी, TDS वालों को नहीं भरनी, कंपोजिशन वालों को नहीं भरनी, ECO वालों को नहीं भरनी, OAI DR को नहीं भरनी, तो इन लोगों को नहीं भरनी। तो यहाँ पर एक इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया कि किसे GSTR 1 भरनी है, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन, और माइनस कर दिया। क्या कर दिया? माइनस। तो भाई जब इसमें से इसे माइनस करेंगे दो ही व्यक्ति निकल कर आएंगे, आपको ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना। नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन क्या करना है जी, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द फॉर्म, भाई GSTR इस रिटर्न्स को फाइल करने के लिए फॉर्म कौन सा है? तो मैंने क्या बता दिया, GSTR 1। और GSTR 1 कैसे भरी जाती है? मंथली भी भरी जाती है और क्वार्टरली भी भरी जाती है। अब आपको क्लियर हो गया मंथली और क्वार्टरली में अंतर? हाँ जी, जो व्यक्ति क्वार्टरली भरेगा तो वो IFF भर के अपना ITC ट्रांसफर कर लेगा, और जो व्यक्ति, ठीक है, मंथली भरेगा तो उसे IFF की जरूरत नहीं होगी। तो सर क्या ये नील रिटर्न भी भरनी होती है? यस, नील रिटर्न भी आपको भरनी पड़ती है। तो सर क्या नील रिटर्न SMS के थ्रू भर सकते हैं? यस, आप नील रिटर्न SMS के थ्रू भर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है, इसे आप काट लो, ये चीज अब हट चुकी है। सर क्या चीज हट चुकी है? ये वाली चीज हट चुकी है। पहले जो सेक्शन 37 था उसमें लिखा हुआ था कि भाई आप GSTR 1 एक पर्टिकुलर डेट तक भर सकते हैं और कुछ डेट के बाद आप नहीं भर सकते, मतलब आप 11 से 15 के बीच में GSTR 1 नहीं भर सकते। इस लॉ को चेंज कर दिया है, इस लॉ को चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो अब जरा समझना ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग प्रोविजंस जो प्रोनर प्रोविजंस थे और था प्रोविजन एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022, मतलब पिछले साल में जो फाइनेंस एक्ट 2022 ने अमेंड किए गए थे प्रोविजन, ये वो है। फिर इसके बाद इसका रिमार्क है। तो बताओ नया वाला पढ़ना है या पुराने वाला? अरे सर नया वाला ही पढ़ाओ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD, नॉन रेजिडेंट, टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, कंपोजिशन, TDS, TCS, इन सब लोगों को GSTR 1 करनी है। किन सब लोगों को? नॉर्मल और कैजुअल, और इन सब को छोड़कर, एक्सेप्ट, क्या वर्ड है यहाँ पर, एक्सेप्ट, ठीक है ना, क्लियर है, अदर देन है ना वर्ड, अदर देन, ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। शैल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली, पहले यहाँ पर एक वर्ड नहीं लिखा हुआ था, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन। पहले क्या था ना, हर व्यक्ति अपनी GSTR 1 भर देता था। अगर आप पुराना सेक्शन देखोगे उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ था, लेकिन नए सेक्शन में लिख दिया सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि हम तुम्हें GSTR 1 तभी भरने देंगे जब तुम हमारी कुछ शर्तें मानोगे। सर GSTR 1 भरने के लिए भी शर्तें माननी है? यस, क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ लोग क्या करते थे, टैक्स तो देते नहीं थे और अपनी GSTR 1 भरते रहते थे, अपनी GSTR 1 भरते रहते थे, सामने वाले को ITC देते रहते थे, गवर्नमेंट का बड़ा नुकसान हो जाता था। कहते थे यार ये व्यक्ति कपिल जैन जो है ना टैक्स तो देता नहीं है, अपनी GSTR 1 भरता रहता है, और अपनी जो GSTR 1 भर के, ठीक है ना, सामने वाले को टैक्स पास ऑन करता रहता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। गवर्नमेंट ने क्या कंडीशन लगा दी कि भाई आप GSTR 1 तभी भर पाओगे जब तुम हमारी कुछ शर्तें कंडीशंस को फॉलो करोगे। अगर आपने वो शर्तें और कंडीशंस फॉलो नहीं करी हम आपको GSTR 1 नहीं भरने देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सरकार ने ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी। कौन से फॉर्म में भरी जाएगी? पहले भी फॉर्म GSTR 1 था, अब भी GSTR 1 था। किस चीज की डिटेल जाएगी?
ठीक है, आउटवर्ड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों की डिटेल्स जाएगी। कब तक जाएगी? ऑन और बिफोर ऑफ द 10th, कि 10 तारीख से पहले आपको डिटेल भरनी है। अब आप ये कहोगे सर 10 तारीख, हमारे ऑफिस में तो 11 तारीख होती है, तो यहाँ पर 11 तारीख क्यों नहीं है, 10 तारीख क्यों है? तो भाई समझो, लॉ का जो सेक्शन है 37, उसमें 10 तारीख ही लिखी है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पर इसकी डेट को एक्सटेंड कर देती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस डेट को एक्सटेंड कर रखा है, 10 की जगह 11 तारीख कर रखा है, ठीक है, गवर्नमेंट्स के पास ये पावर है। तो इसलिए आप अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो कि सेक्शन के अंदर 10 है और वैसे इसकी जो तारीख है वो 11 और 13 है, हम लेटर ऑन उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना जी, क्लियर है, बोलो जी। तो हमारे को क्लियर हो गया GST R1? हाँ जी, लेकिन आपको कुछ कंडीशन और रेस्ट्रिक्शंस माननी पड़ेगी, और जो आपका रूल लिखा हुआ है उस रूल के हिसाब से, ठीक है ना, उस रूल के हिसाब से आपको GST R1 भरना है। और यहाँ पर जरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है ना, कि जो आप GST R1 भरोगे वो कम्युनिकेट होगा टू द रिसिपिएंट ऑफ सेड सप्लाई। अब आपने ऐसा नहीं करा GST R1 भर दिया काम खत्म, वो भाई कम्युनिकेशन होना चाहिए रिसिपिएंट को, मतलब आपको अपनी GST R सही से भरनी है जिससे कि रिसीवर को उसका कम्युनिकेशन चला जाए। और ये वाली चीज पहले सेक्शन में नहीं थी, नए सेक्शन में ये चीज आई है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप अपनी GST R1 भरो तो वो सामने जो रिसीवर है उसे कम्युनिकेट हो जाए। क्लियर हो गई ये चीज? हाँ सर, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर लिखा था ना कि पहले 11 से 15 तारीख तक आप GST R1 नहीं भर सकते थे, अब उस चीज को लाइन को काट दिया, ठीक है, तो आप 11 तारीख तक भी भर सकते हैं, 12 को भी, 13 को भी, 14 को भी, 15 को भी। तो सर ऐसा है ना, लेट ही भरेंगे? नहीं भाई, अगर आप GST R1 लेट भरोगे तो लेट फीस देनी पड़ेगी और आपके रिसीवर का भी नुकसान हो जाएगा, उसे बिल शो नहीं करेंगे, इसलिए भरनी हमारे को टाइम से है, ठीक है ना, क्लियर है जी, बोलो बोलो। और उसके बाद क्या होगा कि कमिश्नर के पास पावर है किस चीज की, अगर वो चाहे तो आपकी टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, कमिश्नर के पास पावर है कि वो आपकी टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकता है। तो जब कमिश्नर के पास इस चीज की पावर है तो उसने उस पावर को यूज करके 10 तारीख को क्या कर दिया है, 11 तारीख और 13 तारीख, ठीक है, किन किन केस में 11 है, किन किन केस में 13 है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसका जो सबसेक्शन 2 था अब वो डिलीट हो गया है सर, इसका जो सबसेक्शन 2 था पहले था कुछ, उसमें कुछ बातें लिखी हुई थी, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, अब वो सेक्शन का सबसेक्शन 2 डिलीट हो गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे सेक्शन 37 सबसेक्शन 2 में क्या है तो उसे बोल देना कुछ नहीं है, अब वो डिलीट हो गया, अब क्या हो गया है, वो डिलीट हो गया है, ठीक है, क्लियर है। कुछ 17 तारीख की बातें थी, आप उसे दिमाग पे प्रेशर मत लो, वो डिलीट हो गया है, ठीक है। अब आता है सेक्शन 37 सबसेक्शन 3। सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 किस चीज की बात करता है, जरा इसे समझना, ठीक है, इसे क्या लिखा है कि भाई आपने GST R1 फाइल करी, कौन से साल की फाइल करी, अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 की, आप कर रहे होंगे ना, मंथली कर रहे होंगे, क्वार्टरली कर रहे होंगे, जैसे भी होगा कर रहे होंगे। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि हो सकता है कि तुमसे इस GST R1 में कुछ गलती हो जाए, हाँ जी बिल्कुल जरूरी है कि गलती हो सकती है, तो उन्होंने कहा इस गलती को ठीक कर सकते हो आप, अगर आपको कोई ओमिशन है, कोई एरर्स है, वो आपको पता लग जाती है तो आप अपनी उस एरर्स को ठीक कर सकते हो। मैंने कहा साहब कब तक ठीक कर सकते हैं, उन्होंने कहा जो अप्रैल 22 की गलती है वो आप 30 नवंबर 2023 तक ठीक कर सकते हो, और जो मार्च 23 की गलती है उसे भी 30 नवंबर 2023 तक ठीक कर सकते हो। तो ये वाली बात किसमें लिखी है, सेक्शन 37 सबसेक्शन 3। तो क्या लिखा है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फर्निश्ड द डिटेल अंडर सबसेक्शन 1 फॉर एनी टैक्स पीरियड शैल अपॉन डिस्कवरी ऑफ एनी एरर, अगर उसे कुछ गलती मिल जाती है और ओमिशन देयर इन रेक्टिफाई सच एरर और ओमिशन, कि वो उस गलती को ठीक कर सकता है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सेल पे द टैक्स। भाई आपने पहले बिल डालना था 50,000 का, आपने बिल डाला 20,000 का, तो गलती हो गई ना, 30,000 का कम बिल डाला, तो अब जब आप इस वाली गलती को, अप्रैल की गलती है और लेट सपोज करो आप कब ठीक कर रहे हो, मई 2023 में, तो भाई उन्होंने क्या बोला कि भाई अप्रैल में तुम्हें 50,000 टैक्स पे करना था, पे करा था 20, और आप अपनी उस गलती को मई 23 में ठीक कर रहे हो, मतलब कि मई 23 में रिमेनिंग टैक्स पे कर रहे हो, तो उस पर इंटरेस्ट भी दे देना। हमने कहा दे देंगे भाई, क्या दिक्कत है।
तो उन्होंने क्या बोला, आप अपनी गलती को ठीक कर सकते हो और जो अगर आपका कोई टैक्स है वो दे सकते हो और इंटरेस्ट दे सकते हो अगर आपने शॉर्ट पेमेंट करी है, ठीक है, अगर आपने शॉर्ट पेमेंट करी है उस गलती की वजह से, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन कोई भी गलती आप किसके बाद ठीक नहीं कर सकते, 30 नवंबर के बाद आप उस गलती को ठीक नहीं कर सकते। अब आगे चल के ना मैं तुम्हें एक रिटर्न पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा एनुअल रिटर्न। क्या नाम होगा? एनुअल रिटर्न। अब एक व्यक्ति बड़ा चालाक था, एनुअल रिटर्न की बेटा वैसे डेट होती है 31 दिसंबर, लेकिन एक व्यक्ति ने एनुअल रिटर्न का मतलब होता है बेटा फाइनल एग्जाम, ठीक है ना, बिल्कुल। अब एनुअल रिटर्न जो साल में एक बार जाती है उसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर, एक व्यक्ति ने चालाकी करके अपनी रिटर्न्स को 31 अक्टूबर में ही फाइल कर दिया। चालाकी मतलब वो ओवर स्मार्ट बन रहा था, उसने कहा कोई बात नहीं मैं तो पहले से ही फाइल कर देता हूँ। अब जैसे आप समझो ना, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको एग्जाम करने का टाइम पीरियड मिला कि भाई 3 घंटे में एग्जाम खत्म करना है, ठीक है ना, 3 घंटे में एग्जाम खत्म करना है, उसके बाद बाहर आना है। एक होशियार बच्चा था, वो 2 घंटे में एग्जाम खत्म करके और अपनी आंसर शीट देके बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद पता चला यार 4 क्वेश्चन छूट गए। अब वो फिर जाता है एग्जाम हॉल में, टीचर से कहता है सर एक बार कॉपी दे दो ना, कुछ क्वेश्चन छूट गए। क्या टीचर देगा? आंसर इज नो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट्स ने क्या बोला कि वैसे तो तुम्हारे को एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर को फाइल करनी थी, लेकिन अगर तुमने उसे 31 अक्टूबर को ही फाइल कर दिया और उसके बाद आपको कोई गलती पता चली अपनी GST R1 में और आप ये कहोगे कि मेरे पास 30 नवंबर तक का टाइम है तो मैं 30 नवंबर तक ठीक करूंगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। आप ऐसा मत करना, ठीक है ना। आपने अगर एनुअल रिटर्न फाइल कर दी या 30 नवंबर की डेट चली गई तो इसका मतलब अब आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते। 30 नवंबर वाली रिटर्न की बात नहीं हो रही, 30 नवंबर तक जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो 30 नवंबर तक अगर आप अक्टूबर की रिटर्न फाइल कर रहे हो, ठीक है ना, अक्टूबर की रिटर्न कब फाइल करोगे बेटा? 11 नवंबर को या 13 नवंबर को, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो भी रिटर्न्स आप 30 नवंबर तक फाइल कर रहे हो उस रिटर्न्स में अपनी पुरानी गलतियों को ठीक कर सकते हो। क्लियर हो गया? हाँ सर ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है जी हमारा सेक्शन 37 सबसेक्शन 4, ठीक है। सेक्शन 37 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, इस बात को समझना कि कई बार कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते। गड़बड़ क्या कर देते भाई? पहले अप्रैल की रिटर्न भरनी है, भरो, उसके बाद मई की भरना, फिर जून की भरना। पहले ना GST R1 में ऐसा नहीं था, अगर आपको 3 रिटर्न पेंडिंग है और आपने जून की फाइल कर दी तो जून की फाइल करने देता था पोर्टल, अप्रैल और मई की नहीं करी कोई बात नहीं जून की कर देता था। तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो बड़ा गोलमाल है, ठीक है ना, पिछली क्लास पास नहीं करी अगली क्लास में आ गया। मतलब बच्चा कह रहा फाइनल के एग्जाम दे देता, उसी के फाइनल के CPT और इंटर अभी नहीं, बाद में कर लूंगा फाइनल के बाद। गवर्नमेंट ने कहा ये क्या बदतमीजी है, ऐसे नहीं होगा। तो क्या लिखा, ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सबसेक्शन 1 फॉर ए टैक्स पीरियड इफ द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड। कि अगर कोई प्रीवियस टैक्स पीरियड की कोई रिटर्न, ठीक है ना, अगर कोई प्रीवियस टैक्स पीरियड की कोई रिटर्न उसके द्वारा फर्निश नहीं की गई है, ठीक है ना, उसके द्वारा फर्निश नहीं की गई है तो वो उस क्वार्टर उस पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। मतलब अगर जून की करनी है तो अप्रैल मई की करनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, ठीक है ना, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर हमारा बस चला तो हम कुछ लोगों को इसमें भी रिलैक्सेशन दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है। अभी गवर्नमेंट ने क्या रूल बना रखा है, गवर्नमेंट का सिंपल रूल ये है कि भाई अगर आप एक प्रीवियस पीरियड की रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो हम तुम्हें अगले पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं करने देंगे। तो भाई ये थी हमारे सेक्शन 37 में अमेंडमेंट्स जो हमने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दी है आपके एग्जाम पर्पज के लिए। कुछ अमेंडमेंट्स और हैं, ठीक है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि भाई आपको सेक्शन 37 की अमेंडमेंट्स क्लियर हुई या नहीं, क्योंकि हम अगली क्लास में, ठीक है, अगली वीडियो में इसका जो रूल है 59 उसे हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे और उसमें क्या अमेंडमेंट्स है वो डिस्कस करेंगे। तो भाई अगर आप स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो तो आपको बता दूं कुछ चीजें चेंज है तो उसे साथ के साथ चेंज कर लेना। जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया, GST R1 की जो हमारी डेट्स है, अगर कोई व्यक्ति QRMP स्कीम लेता है तो उसके लिए क्या है,
13 तारीख है। और अगर कोई QRMP स्कीम नहीं लेता, मतलब मंथली GSTR1 फाइल कर रहा है, तो उसके लिए 11 तारीख है। ये वाली बात क्लियर हो गई? हाँ सर, ये वाली बात क्लियर हो गई। सर ये QRMP स्कीम का क्या मतलब होता है? अगर किसी की टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होती है, मतलब छोटा टैक्स पेयर है, अगर वो चाहे तो QRMP स्कीम में जा सकता है। हालांकि QRMP स्कीम को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, लेकिन जबरदस्ती की स्कीम नहीं है। एक व्यक्ति की टर्नओवर 50 लाख है, वो कह रहा है मैं QRMP में नहीं रहूंगा, मैं तो मंथली भरूंगा। गवर्नमेंट कहती है भर, हमें क्या दिक्कत है। और ये कब से आई है? जनवरी 2021 से आई है। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट ने लिखा था कि हम चाहेंगे तो GSTR1 की डेट बढ़ा सकते हैं, तो गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन निकाल के डेट बढ़ा देती है और 11 और तारीख डेट कर दी है। हालांकि मैं आपको बता दूं, तुम्हारे जो स्टडी मटेरियल है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भाई ये जो ये कई बार गवर्नमेंट लेट फीस वेव ऑफ कर देती है, ठीक है ना, और ये वाली चीजें जो लेट फीस वेव ऑफ करी ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं होती, या जो डेट एक्सटेंड करी ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं होती। लेकिन अपने को रिस्क नहीं लेना है, मैं आपको बताता चलूंगा, अगर जितना माइंड में रह जाए वो बात अच्छी है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में IFF क्या है, कैसे कैसे काम होता है इसमें IFF में, वो सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज ये बता दूं कि जो GSTR1 है, ठीक है ना, जो सेक्शन 37 है वो चेंज हो चुका है, तो प्लीज उस सेक्शन को, जो अमेंड वाला सेक्शन है, वो वहीं से पढ़ें। ठीक है, GSTR1 में क्या क्या पर्टिकुलर जाते हैं, क्या क्या सारी चीजें जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर जो सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 में जो अभी हम अमेंडमेंट पढ़कर आए हैं वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर लेटेस्ट डेट ना लिखी हो। सर क्या मतलब, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो अमेंडमेंट की डेट लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, अक्टूबर, और अभी हम पढ़कर क्या आए हैं, नवंबर। तो भाई ये नवंबर वाली डेट है, ये अमेंडमेंट होकर आई है, पहले ये डेट अक्टूबर ही थी, ठीक है ना, मतलब ये सितंबर की रिटर्न जो अक्टूबर में फाइल करते थे वो डेट थी, अब ये वाली डेट हट गई है। तो भाई इसे डिलीट कर देना, इस रिटर्न्स के चैप्टर को यहाँ से तैयार मत करना, नहीं तो आपके नंबर कम आ जाएंगे। क्लियर हो गई? अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सेक्शन 37(3) तक दिया है, 37(4) नहीं दिया, तो भाई मेरी तो इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि फटाफट से भाई साहब आप क्या करो, इस स्टडी मटेरियल को हटाई दो, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है। ठीक है, इससे बच्चों में कन्फ्यूजन आएगी। ठीक है ना, क्लियर हो गई ये चीज? हाँ सर, ये वाली चीज क्लियर हो गई। तो अब हम कल का जो हमारा टारगेट रहेगा, एक तो आपको IFF बताना रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, और क्या रहेगा हमारा कि भाई एक आपको रूल 59 भी मैं कंप्लीट करा दूं, और जो नया सेक्शन है 38 वो भी मैं आपको करा दूं। क्लियर है ये वाली चीज? हाँ सर, ये वाली चीज हमें क्लियर है। चलिए जी, थैंक यू।